जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सर। तो पिछले संडे मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए क्यू ने वीडियो नहीं आया था। और आज के इस क्यू ने वीडियो पर पिछले वाले क्यू ने वीडियो से मैं क्वेश्चन पिक किया हूँ, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने उस पोस्ट के नीचे किया था वहाँ से भी पिक किया हो। तो चलिए देखते हैं सारा क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन किया है प्रदीप ने, ये पूछ रहे हैं कि M21 में नाइट में 10% बैटरी ड्रेन होता है क्यों। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब हो सकता है कि आपके फ़ोन का बैटरी ख़राब है, या फिर इनमें से कुछ हो रहा है। आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहा है और आप अपने फ़ोन को रख दे रहे हो, उससे भी बैटरी ड्रेन होता है। और उसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन डेटा, ऑटो सिंक, ये सब अगर ऑन है तो उसके वजह से भी बैटरी ड्रेन होता है। बट इतना नहीं होता कि 10% बैटरी ड्रेन हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 2-3% ही बैटरी ड्रेन होता है अगर ये सब ऑन रहे तो। हो सकता है कि आपके फ़ोन का बैटरी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, आप एक बार जाओ सर्विस सेंटर और अपने फ़ोन को चेक करो। और उससे पहले आप अपने फ़ोन का जो अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड है उसको ऑन करके अपने फ़ोन को रख सकते हो रात के टाइम, इससे भी आपके फ़ोन का बैटरी मतलब ड्रेन थोड़ा सा कम हो। अगला क्वेश्चन किया प्रशांत ने, ये पूछ रहे हैं कि कैमरा इशू सॉल्व्ड और नॉट। मतलब M21 में 2 दिन पहले एक अपडेट आया था और ये बहुत ही छोटा सा अपडेट था, उस अपडेट में उतना कुछ चेंजेस नहीं हुआ। बट वहाँ पर जो अपडेट लॉग था वहाँ पर लिखा था कि कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो यही पूछ रहे हैं कि कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ कि नहीं। इससे पहले अपडेट के साथ कैमरा क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो गया था, लेकिन इस बार अपडेट के साथ थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, मतलब पहले जैसा नहीं हुआ। जब फ़ोन नया नया था उस टाइम कैमरा क्वालिटी जैसा मिल रहा था, उस लेवल का तो नहीं मिल रहा बट थोड़ा सा ठीक हुआ। अगला क्वेश्चन किया है खैबर ने, ये पूछ रहे हैं कि इस M21 हैव 4K वीडियो। तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि कैमरा के अंदर मतलब 4K वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर प्ले कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जो 2K से थोड़ा सा कम होता है, और 4K वीडियो आप प्ले कर सकते हो। अगला क्वेश्चन किया है सेकेंडरी मेल ने, ये पूछ रहे हैं कि कैमरा इम्प्रूवमेंट के अलावा और कुछ नया फीचर आया है क्या M21 में। तो M21 में सिर्फ कैमरा ही थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है जैसे कि मैंने कहा, और उसके अलावा और कुछ नया फीचर देखने को नहीं मिला मुझे। और अपडेट के साथ लिखा था कि सिक्योरिटी पैच अपडेट होगा, लेकिन वो भी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हो कि जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, सभी एप्लीकेशन को अपडेट के बाद एक बार एप्लीकेशन अपडेट कर लो। इससे होता क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद एप्लीकेशन के अंदर कुछ फीचर है जो अनलॉक हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई नया फीचर आप लोगों को नोटिस हो एप्लीकेशन के अंदर, सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। मैं आप लोगों को प्रॉपर क्रेडिट देकर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर 3-4 नया फीचर मिल जाए तो। यहाँ पर अगला कमेंट किया आकाश ने, इन्होंने वाईफाई शेयरिंग से रिलेटेड एक कमेंट किया है। पिछले वाले जो संडे की उन्होंने वीडियो था वहाँ पर मैंने कहा था कि वाईफाई शेयरिंग अपडेट के साथ रिमूव हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि ये कहाँ मिलेगा आपको। तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, आपको अपना नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है और हॉटस्पॉट के ऊपर लॉन्ग टैप करके रखना है, देन हॉटस्पॉट का सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। उसके नीचे जो कॉन्फिगर ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको वाईफाई शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में ये ऑन है, अगर आपके फ़ोन में डिसेबल है तो आपको सिंपली इसको एनेबल करना है। उसके बाद नीचे सेव का बटन रहेगा, सेव पर क्लिक करना है, देन आपका वाईफाई शेयरिंग ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। आप वाईफाई शेयर कर सकते हो, मतलब हॉटस्पॉट और वाईफाई एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर निकेश पूछ रहे हैं कि हाउ टू यूज़ वाईफाई कॉलिंग इन M21, कैन 4G एंड 5G को एग्जिस्ट व्हेन 5G अराइव्स इन इंडिया। तो बेसिकली इन्होंने 2 क्वेश्चन किया है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि वाईफाई कॉलिंग कैसे एनेबल करें। तो इस ऑप्शन को आपको एनेबल नहीं करना पड़ता, हाँ करना पड़ता है आपको, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करोगे और आप जो सिम यूज़ करते हो वो वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करता है, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर वाईफाई शेयरिंग का, इस ऑप्शन को सिंपली आपको एनेबल कर देना है, उसके बाद आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है कैन 4G एंड 5G को एग्जिस्ट, मतलब 4G और 5G एक साथ रह सकता है क्या। हाँ क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि 2G 3G 4G अभी भी है। लेकिन अगर जियो की बात करें तो जियो के सिम में आपको सिर्फ 4G मिलता है, 2G 3G नहीं है। लेकिन बाकी ऑपरेटर्स के सिम पर आपको 2G 3G 4G सब मिलेगा। तो 5G जब आएगा तो वो भी मिलेगा, मतलब
5G के साथ 4G भी रहेगा और ऐसा जियो के साथ भी होगा, तो 5G और 4G एक साथ रह सकता है। पहले 5G आ जाने दो इंडिया पर, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नाहिद ने ये पूछने कि सैमसंग M21 का एंड्रॉयड 12 अपडेट कब आएगा। तो सैमसंग M21 एक बजट फ़ोन है और सैमसंग के M सीरीज़ के ज़्यादातर फ़ोन बजट फ़ोन ही होता है, तो M सीरीज़ के फ़ोन्स पर आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट हो सकता है कि अगले साल जनवरी या फिर फरवरी में देखने को मिले, और हाईएस्ट चांस है कि फरवरी के आखिर में आए, तो वेट करो। उससे पहले एक और अपडेट आने वाला है जो 1.3.1.1 का होगा, तो पहले वो अपडेट आ जाने दो। और अपडेट जब भी आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और जितने भी नए फीचर है उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन पिछले वाले अपडेट में कोई नया फीचर नहीं आया था, इसीलिए मैंने उसके मतलब न्यू फीचर्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर एप्लीकेशंस के अंदर आपको कुछ नया फीचर देखने को मिले सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन किया है राजकुमार ने, ये पूछ रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम इशू सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाओ। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वहाँ पर मैंने दिखाया कि अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, नेट सही से नहीं चल रहा, या फिर LTE में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर नेटवर्क सही से नहीं आ रहा, तो सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको उस वीडियो पर मिल जाएगा। तो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर किरण पूछ रहे हैं कि थर्मल गार्डियन इज ओनली वे टू इंक्रीज परफॉर्मेंस बाई रिड्यूसिंग थ्रोटलिंग, इज देयर एनी वे टू इंस्टॉल इट ऑन M21। तो थ्रोटलिंग, जिन लोगों को नहीं पता कि थ्रोटलिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं वो बता दूं। बेसिकली थ्रोटलिंग एक प्रोसेस होता है कि अगर आपके फ़ोन आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा गेमिंग करते हो, तो होता क्या है कि आपका फ़ोन का प्रोसेसर ज़्यादा हीट करने लगता है, और जब ये हीट करता है तो हीट को रिड्यूस करने के लिए वो अपना परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर देता है, मतलब काम थोड़ा सा कम कर देता है। इसी वजह से आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिक्रीज देखने को मिलता है, और यही है थ्रोटलिंग। और ये बोल रहे हैं कि थर्मल गार्डियन जो सैमसंग का एक वुडलॉक का मॉड्यूल है, उसके थ्रू आप थ्रोटलिंग को रिड्यूस कर सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करने का कोई तरीका है क्या? हाँ, एक तरीका है, आप SAI नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उस एप्लीकेशन के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हो। डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता, बट इंस्टॉल करने के बाद भी ये ओपन नहीं होता, मतलब काम नहीं करता, तो बेकार में इंस्टॉल क्यों करना। अगला क्वेश्चन है सुपर शुभम का, ये पूछ रहे हैं कि माई फोन इज़ 1 ईयर ओल्ड एंड नाउ आई एम नोटिसिंग लो वॉल्यूम प्रॉब्लम, व्हाट्स द मैटर। तो शुभम भाई, आप बोलना चाहते हो कि जब आपने फ़ोन परचेस किया था तब साउंड ज़्यादा था लेकिन अभी कम है, तो इस केस में आपको सर्विस सेंटर जाना चाहिए, उन लोगों को बोलना चाहिए कि साउंड कम हो चुका है, तो वो लोग रिप्लेस करवा देंगे। बट अभी के लिए अगर आप साउंड थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप कोई एप्लीकेशन को यूज़ करके, एक एप्लीकेशन है छोटा सा, उस एप्लीकेशन को यूज़ करके कैसे आप अपना साउंड को, स्पीकर साउंड को इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखो, लेकिन एक वार्निंग है कि वीडियो को पूरा देखना पहले, उसके बाद ही उस एप्लीकेशन को यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ़ोन का स्पीकर डैमेज हो जाए। तो अभी थोड़ा सा बात करें पिछले वाले अपडेट के बारे में। जो अपडेट आया था वहाँ पर अपडेट लॉक के अंदर 3 इम्प्रूवमेंट था, जो एक था कैमरा, दूसरा ओवरऑल परफॉर्मेंस, तीसरा था सिक्योरिटी। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी पैच में कोई अपडेट नहीं था। तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि सिक्योरिटी पैच में अपडेट नहीं है तो सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव होगा? और जो 1 जून का नीचे लिखा था सिक्योरिटी पैच 1 जून, वो तो पहले से ही था, मतलब सिक्योरिटी पैच का कोई अपडेट नहीं था। इसका मतलब ये कोई सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट नहीं है, कोई OS का मतलब OneUI का भी अपडेट नहीं है, तो मतलब ये कोई कैमरा अपडेट था छोटा सा, लेकिन कैमरा में भी उतना मतलब ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है मुझे। और यहाँ पर लिखा था परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, लेकिन अपडेट करने के बाद ये हैंग कर रहा था, और ऐसा होता भी है, पिछले वाले अपडेट के बाद भी ऐसा होता था कि हैंग करता था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हैंग कर रहा था। और मुझे लगता है कि अपडेट से पहले इसका परफॉर्मेंस ठीक था, उसके बाद तो ये स्लो हो चुका है। तो यही मेरा एक ओपिनियन था इस अपडेट के बाद सैमसंग M21 में क्या कुछ चेंजेस मुझे देखने को मिला। आप लोगों के फ़ोन में क्या कुछ आप लोगों ने नोटिस किया है चेंज, तो आप मुझे कमेंट पर बताओ कि कैमरा में कुछ चेंज नोटिस हुआ कि नहीं, कैमरा क्वालिटी में, या फिर आपको परफॉर्मेंस में एनहांस देखने को मिला कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हो, और क्वेश्चन करने के टाइम #AskNeo जरूर से लगाना। मैं अगले बार संडे क्यू वीडियो पर इसी वीडियो के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन पिक करूंगा और आंसर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।